8 से 10 सितंबर तक देश बंद है। नहीं, फिर क्या दिल्ली बंद है? नो, ये सारा कंफ्यूजन दूर करते हैं और आपको बताते हैं कि 8 to 10 सितंबर को आखिर होने क्या वाला है, क्या बंद है और क्या नहीं। तो 8 to 10 सितंबर के दौरान दिल्ली इज गोइंग टू होस्ट G20 समिट, जिसके लिए सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी गई है। स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिसेस की 3 दिन की छुट्टी तो पहले ही अनाउंस कर दी गई थी, बट द होल दिल्ली इज नॉट क्लोज। बस कुछ एरिया सिक्योरिटी रीजंस के चलते बंद रहेंगे और कुछ रोड्स को डाइवर्ट किया जा रहा है। बेसिकली पूरे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल्ड एरिया डेजिग्नेट किया गया है एंड मोस्टली VIP मूवमेंट यही होगा। रही बात क्या बंद रहेगा और क्या नहीं, सो न्यू दिल्ली कंट्रोल्ड एरिया में कमर्शियल एक्टिविटीज बंद रहेंगी। दिस इंक्लूड्स Amazon, Zomato, Swiggy जैसी ऑनलाइन e-commerce डिलीवरीज, बट मेडिसिन की डिलीवरी अलाउड है। यहाँ पर मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, क्लाउड किचन्स की सर्विसेज भी बंद रहेंगी, बट बाकी दिल्ली में सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसे चलता है। सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर बाकी सारे मेट्रो स्टेशंस खुले रहेंगे। जिस वक्त VIP मूवमेंट होगा उस वक्त कुछ स्टेशंस पर लोगों का मूवमेंट रोक दिया जाएगा। ड्यूरिंग द समिट और VIP मूवमेंट के वक्त किसी को भी कंट्रोल्ड एरिया से गुजरने की परमिशन नहीं दी जाएगी, सो अवॉइड दैट एरिया। VIP गेस्ट के लिए कुछ होटल साकेत, बसंत कुंज और एरो सिटी में भी है। तो जब इन होटल से VIP मूवमेंट होगा तो ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अलावा बाकी सब जगह थिएटर्स, मॉल्स, मल्टीप्लेक्स खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स और रोजमर्रा का सामान जैसे दूध, सब्जियां, इन सब की शॉप्स पूरी दिल्ली में खुली रहेंगी। जरूरी सामान ले जा रही गाड़ियों को न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में भी एंट्री दी जाएगी। जो लोग न्यू दिल्ली एरिया में रहते हैं वो अपनी प्राइवेट गाड़ियां यूज कर सकते हैं, उन्हें बस एड्रेस प्रूफ देकर जाने दिया जाएगा। जिन लोगों की G20 समिट की किसी भी वेन्यू पर ड्यूटी है उन्हें भी वेरीफाई करके प्राइवेट गाड़ियों से जाने दिया जाएगा। न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में कोचिंग सेंटर्स, जिम, स्पोर्ट्स अकेडमीज बंद रहेंगी, लेकिन बाकी दिल्ली में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑल्सो अगर आपका न्यू दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है तो आप अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराकर जा सकते हैं, लेकिन VIP मूवमेंट के टाइम पर आपको रुकना पड़ेगा। एम्बुलेंसेस को रोका नहीं जाएगा ताकि पेशेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। अगर आप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट किसी को पिक या ड्रॉप करने जा रहे हैं तो आपको न्यू दिल्ली से एंट्री नहीं मिलेगी और आपको घूम कर जाना पड़ेगा। बेसिकली दिल्ली पूरी तरह से बंद नहीं है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो कंट्रोल्ड एरिया में है और VIP मूवमेंट को देखकर की जाएंगी। बाकी दिल्ली में सब कुछ चलता रहेगा। इस वीडियो को शेयर कर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाएं।